डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से जो चैप्टर नंबर 6 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसका पार्ट नंबर 4 है वो डिस्कस करते हैं, जो कि जेनेटिक कोड, टाइप्स ऑफ आरएनए और ट्रांसलेशन प्रोसेस, और जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है कि जीन जब प्रोटीन बनाते हैं, जब इनका जो एमआरएनए बनता है, एमआरएनए के बाद जो ट्रांसलेशन होता है, तो वो किस तरीके से रेगुलेट किए जाते हैं, उनका जो फंक्शन है वो किस तरीके से स्विच ऑन या स्विच ऑफ किया जाता है। तो जेनेटिक कोड के बारे में स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज गैमहो एक फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो फोर बेसिस हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, तो जो 20 अमीनो एसिड होते हैं ज़्यादातर जो डिस्कस किए जाते हैं, तो उनको बनाने के लिए मेनली चार बेस पेयर हैं वही कोड करते हैं। कोड कोड कंस्टिट्यूट ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, और जो एक बेस है तो वो कोड करेंगे कुछ एक कॉम्बिनेशन के रूप में, जो कि अलग अलग बेसिस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। टू कोड फॉर ऑल द 20 अमीनो एसिड कोड शुड बी मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। उन्होंने बताया था कि ये 20 टाइप के अमीनो एसिड को कोड करने के लिए जो कॉम्बिनेशन है वो तीन तीन नाइट्रोजिनियस बेस का देखने को मिलेगा। ए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो ये मैथमेटिकल पोर्शन होता है, जो कि परम्यूटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो पावर फोर फोर रेज टू पावर थ्री, तो जो टोटल यहाँ पे 64 कोडोन बनते हैं, यदि हम एक तीन तीन के कॉम्बिनेशन में कोडोन को रखते हैं, तो 20 टाइप के जो अमीनो एसिड हैं वो कई कोडोन के द्वारा कोड किए जाएंगे। 64 टोटल कोडोन है, जबकि जो 20 है अमीनो एसिड होते हैं, यहाँ से 64 टोटल कोडोन देखने को मिले इस कॉम्बिनेशन से। तो इसके सपोर्टिव एविडेंसेज थे, कुछ कुछ एविडेंस थे जो कि इस जो तथ्य को, इस फैक्ट को साबित करते थे। सबसे पहला क्या था, केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हर गोविंद खुराना जी, ये अपने इंडिया के ही हैं। इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, होमोपोलीमर्स एंड कोपोलीमर्स। तो उन्होंने जो केमिकल मेथड डेवलप की है क्या करने के लिए, आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करने के लिए, वो एक डेफिनेट कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस के रूप में चलती है, जो कि होमोपोलीमर्स भी हो सकते हैं और कोपोलीमर्स भी। होमो मतलब जिसके अंदर एक जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिले, कोपोलीमर जिसमें दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर मिलकर एक मेन जो पॉलीमर है वो बनाते हैं। मार्शल नेरिंग ब्रग्स सेल फ्री सिस्टम ऑफ फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी डेसीफर्ड। तो जो मार्शल नेरिंग सेल फ्री सिस्टम था, जिन्होंने जो प्रोटीन है वो सेल से बाहर भी बना के दिखाए थे, तो उन्होंने भी जो कोडोन है उनका जो एक कॉम्बिनेशन है उसको समझाने में मदद की थी। सेवरो अकाउ एंजाइम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है, हैज आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन ए टेम्पलेट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मैनर एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो आरएनए की एक एंजाइम की वजह से जो सिंथेसिस देखने को मिली, ये एक जो एंजाइम है सेवेरो ओकाओ एंजाइम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो उसके अंदर भी पाया गया कि वो एक डेफिनेट, एक डिफाइंड सीक्वेंस को पढ़ के ही, उसको ही एक टेम्पलेट के रूप में मान के ही वो क्या करता है, एक प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो यहाँ से हर बार एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है कि कुछ नाइट्रोजीनियस बेसिस का एक कॉम्बिनेशन है जो कि प्रोटीन को कोड करता है, अलग अलग टाइप के जो अमाइनो एसिड है उनको कोड करता है। तो जो जेनेटिक कोड है, जो 64 जेनेटिक कोड की बात की गई है, वो चार नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, जो यूरेसिल, साइटोसिन, एडनिन और गुआइनिन, तो इनसे ही बनते हैं। तो इसमें फर्स्ट लेटर रहेगा इस साइड से, सेकंड लेटर इस साइड से रहेगा, और थर्ड लेटर है जो यहाँ से रहेगा इस साइड से, राइट हैंड साइड से। तो यहाँ से जैसे सबसे पहले इस कॉलम के अंदर यदि हम स्टार्टिंग करते हैं, तो इसका भी यू फर्स्ट लेटर भी यू, सेकंड लेटर भी यू, और जो थर्ड लेटर है वो भी यू आएगा। लेकिन जैसे ही हम सेकंड वाले पोर्शन में रहेंगे, इससे सेकंड वाले साइड में जाएंगे, तो दो तो यू रहेंगे, एक यहाँ से जो थर्ड लेटर है वहाँ से सी उठेगा, उसके बाद यहाँ से दो लेटर तो यू यू रहेंगे, लेकिन जो उसके बाद अलग अलग कॉम्बिनेशन है वो इस सीरीज के हिसाब से चलेंगे। तो ये पहले वाले में इसके यू मिलेंगे सारे,
और यू जो सेकंड लेटर ऊपर वाले बॉक्स से रहेगा। तो इस तरीके से जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो 64 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, और जिसके अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन है अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। जैसे यू 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 और यू यू सी है वो फिनाइल एलिनिन जो अमाइनो एसिड होता है PHE के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए कोड करते हैं ये। ये mRNA के ऊपर सीक्वेंस होती है, जिस प्रकार की सीक्वेंस mRNA पे मिलेगी उसी प्रकार का जो अमाइनो एसिड है वो tRNA लेके आएंगे साइटोप्लाज्म से, और वो उसका कॉम्बिनेशन से ही पॉलीपेप्टाइड चेन है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ से आप अलग अलग अमाइनो एसिड के जो कॉम्बिनेशन हैं जिनके द्वारा वो कोड किए जाते हैं तो वो यहाँ से नोट कर सकते हो। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं, सेलेंट फीचर्स हैं जेनेटिक कोड के, वो क्या हैं। कोडोन ट्रिपलेट फॉर्म में पाए जाते हैं, तीन तीन बेस पेयर की कॉम्बिनेशन में मिलेंगे। 61 कोडोन है जो वो कोड करते हैं अमाइनो एसिड के लिए, जबकि 3 कोडोन ऐसे हैं जो कि किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, उनको स्टॉप कोडोन बोला जाता है। सम अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, तो इस प्रोसेस इस जो प्रॉपर्टी को डीजनरेसी बोलते हैं कि कुछ अमाइनो एसिड है वो एक से ज़्यादा कोडोन के द्वारा भी कोड किए जाते हैं। जैसे सबसे पहला फिनाइल एलनिन मैंने देखा था, 2 कोडोन के द्वारा कोड किया जा रहा है। कोडोन इज रीड इन mRNA इन ए कॉन्टिगियस फैशन नो पंक्चुएशन। तो जो कोडोन होते हैं mRNA के अंदर जब पढ़े जाते हैं या उनको लिखा जाता है तो वो एक साथ पढ़े जाते हैं, उनके बीच में कोई भी निशान पंक्चुएशन कोमा वगैरह यूज नहीं किया जाता। कोड इज नियरली यूनिवर्सल, तो जो कोडोन ये हमने ट्रिपलेट कॉम्बिनेशन देखा है वो हर जगह लागू होता है, वो चाहे आप बैक्टीरिया से देख लो, ह्यूमन से, प्लांट से, किसी भी जगह में यदि हम यू 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 को देखेंगे तो वो हमेशा फिनाइल एलनिन नाम के अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। कुछ असेप्शन माइटोकॉन्ड्रियल और कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशल खुद का DNA होता है और वो अपने हिसाब से फिर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन जरूर देखने को मिल जाते हैं। AUG होता है जो ट्रिपलेट कोडोन है, जो वो ड्यूल फंक्शन करता है, वो मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है और साथ में एक इनिशिएटर कोडोन का मतलब है कि जो भी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है केवल AUG से ही शुरू होती है। जबकि जो 3 स्टॉप कोडोन की बात हम कर रहे थे वो UAA, UAG और UGA, ये स्टॉप कोडोन का काम करेंगे। जहाँ पे भी ये कोडोन आ जाते हैं वहीं से जो ट्रांसलेशन प्रोसेस हम आगे डिस्कस करेंगे वो स्टॉप हो जाती है, वो बंद हो जाती है, वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। उसके बाद पॉइंट एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, वो देखते हैं किस वजह से, कोडोन की वजह से ही वो देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड DNA आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन, जीन और DNA के बीच का जो रिलेशनशिप है म्यूटेशन से, म्यूटेशन क्या थे, वो सडन जेनेटिक इनहेरिटेबल चेंज होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं, मे रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ जीन और सोए फंक्शन। तो किसकी वजह से हो सकते हैं, या तो कोई भी एक जीन है वो अपना फंक्शन है वो खो देता है, वो काम है अपना खो सकता है, या फिर एक अपना जो फंक्शन है वो गेन कर सकता है। गेन ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन ये टर्म्स होती हैं। जब जीन काम करना बंद कर दे तो लॉस ऑफ फंक्शन, यदि वो कोई एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दे तो लॉस ऑफ फंक्शन, उसको गेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे क्लासिकल एग्जाम्पल पॉइंट म्यूटेशन हमने देखा था, सिकल सेल एनीमिया जो 5th चैप्टर था उसके अंदर सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिटेल से पढ़े हैं। चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन जीन फॉर द बीटा ग्लोबिन चेन, तो सिंगल बेस पेयर का भी चेन देखने को मिल सकता है, जैसे बीटा ग्लोबिन चेन था उसके अंदर, और रिजल्ट इन द चेंज इन अमाइनो एसिड रेजिड्यू ग्लूटामेट टू वैलिन। और इसके अंदर हमने देखा था कि जो बीटा ग्लोबिन चेन जैसे चेंज होगी तो जो RBC की शेप है वो सिकल सेल होगी थी, और जिसके अंदर जो मेन कारण था वो ग्लूटामिक एसिड का वैलिन के द्वारा रिप्लेस किया जाना था। एग्जाम्पल इंसर्शन एंड न्यूक्लियोटाइड का, इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल से एक समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंग्लिश का सेंटेंस है, राम हैज ए कैप, यदि हम यहाँ पे एक वर्ड है वो ऐड करते हैं, जैसे बी है हमने ऐड किया हैज के बाद, तो आगे वाले जैसे जिस हिसाब से यहाँ पे कॉम्बिनेशन थे, तीन तीन का कॉम्बिनेशन है, तो जैसे ही यहाँ पे हमने बी ऐड किया, एडिशन किया है एक, तो RE और जो डी है वो आगे वाले लेटर के साथ चला गया और पी एक अलग से सेपरेट हो जाता है। उसके बाद ये एस वैसे मिस प्रिंटिंग है। उसके बाद जैसे एक और लेटर यदि हम ऐड करते हैं आई, तो उसके बाद एक और लेटर है जो आगे सरक जाता है, जैसे पी अकेला था यहाँ पे, AP जो कैप का CAP है वो सेपरेट चला जाता है। उसके बाद एक और यदि लेटर जी भी हम ऐड करते हैं तो ये जो कोडोन है आगे आगे शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से जब शिफ्टिंग हो जाती है, पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, तो उसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी बोलते हैं। सम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय डिलीटिंग लेटर्स RED, जैसे हम जैसे शुरुआत में R ऐड कर, इसमें से डिलीट कर दिया,
इस सेंटेंस में से, तो क्या रहेगा, ई डी और इसका कम्बिनेशन सी के साथ मिलेगा, ई डी सी हो जाता है। उसके बाद फिर ई बी यदि हम हटा देते हैं तो ये जो ए है ए बी इसके साथ आ जाता है, डी सी ए रह जाएगा। उसके बाद एक और लेटर यदि हमने हटा दिया तो कैप रह जाता है। तो इस तरीके से जो सेंटेंस है वो भी चेंज है, और इसी तरीके से जो इंफॉर्मेशन होती है एम आर एन ए के पास वो भी चेंज हो जाती है डिलीशन की वजह से या फिर इंसर्शन की वजह से। तो कंक्लूजन क्या रहता है यहाँ से, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेस चेंजेज रीडिंग फ्रेम शिफ्ट या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिलीशन म्यूटेशन भी बोलते हैं, मतलब किसी भी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने से पूरी की पूरी जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाती है, इनको डिलीशन या फिर इंसर्शन की वजह से जो म्यूटेशन है वो भी बोल सकते हैं। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ थ्री और इट्स मल्टीपल, यदि हम तीन तीन के केस में यदि डिलीशन या फिर इंसर्शन करते हैं तो उसकी वजह से क्या रहता है, डिलीट काजिंग द रीडिंग द फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। तो ये पॉइंट म्यूटेशन होती है जिसके अंदर जैसे हमने देखा था यहाँ पे तीन यदि हम लेटर ऐड कर देते हैं तो सेंटेंस बाकी का आर ई डी सी ए पिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि हम एक एक दो दो लेटर ऐड करते हैं तो सेंटेंस आगे का सेंटेंस पूरा चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो यदि हम तीन या तीन से ज़्यादा कोडोन, तीन या तीन के मल्टीप्लाई में कोडोन को ऐड करते हैं तो उससे जो आगे के जो कोडोन है वो एक जैसे रहते हैं, जिसकी वजह से एक सिंगल अमाइनो एसिड की जगह पे फर्क देखने को मिलता है, जो कि वैलिन जो रिप्लेस किया जा रहा था, वैलिन रिप्लेस कर रहा था ग्लूटामिक एसिड को सिकल सेल एनीमिया में, वो वही ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। उसके बाद पॉइंट म्यूटेशन वर्सेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो जैसे ये रीडिंग फ्रेम है सी ए टी सी ए टी सी ए टी, इस तरीके से यदि यहाँ पे जी हम ऐड कर देते हैं पॉइंट म्यूटेशन, तो इसमें क्या रहा है, एक सी की जगह पे जी ऐड हुआ है, बाकी सारा जो पोर्शन है वो एक जैसा है, उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एब नॉर्मल बट स्टिल फंक्शनल प्रोटीन प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्ट था लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी जरूर आई है, लेकिन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। लेकिन यदि हम क्या करते हैं पॉइंट डिलीशन करते हैं, एक पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं, जैसे टी हटा दिया तो उसकी वजह से कम्बिनेशन अलग हो जाएगा, पहले सी ए टी था लेकिन यहाँ से क्या रहेगा सी ए सी, फिर क्या रहेगा ए टी सी, फिर उसके बाद ये जो सारी शिफ्टिंग है वो जो फ्रेम है पूरी शिफ्ट हो जाती है डिसरप्टेड रीडिंग फ्रेम, और जिसकी वजह से क्या रहेगा टर्निकेटेड प्रोटीन प्रोडक्ट, तो जो प्रोटीन है वो यहीं तक बन पाएगा, उसके बाद की जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि उस टाइप का जो हो सकता है कम्बिनेशन ना मिले किसी भी टाइप का, तो इससे प्रोटीन सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाती है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। उसके बाद आर एन ए के टाइप, थ्री टाइप्स के आर एन ए होते हैं, एम आर एन ए मैसेंजर आर एन ए जो कि मैसेज लेके आता है डी एन ए से, उसके बाद ट्रांसफर आर एन ए जो कि अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म से राइबोसोम्स के पास लेके आएगा, और एक राइबोसोमल आर एन ए जो कि साइट प्रोवाइड करेगा जहाँ पे टी आर एन ए है जो प्रोटीन जो अमाइनो एसिड है उनको लेके आएंगे, और साथ में ये इंजाइम का काम करता है जो कि फॉस्फोडा जो कि जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है अमाइनो एसिड के बीच में जिससे पॉलीपेप्टाइड बन सके। तो ये क्या करते हैं, तीनों एंजाइम है प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं सेल के अंदर। एम आर एन ए प्रोवाइड द टेम्पलेट, एम आर एन ए टेम्पलेट का मतलब वो एक ब्लू प्रिंट देता है जिसकी रीडिंग को पढ़ पढ़ के ही जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज किया जाएगा राइबोसोमल आर एन ए के द्वारा। टी आर एन ए अमाइनो एसिड को लेके आता है और साथ में जेनेटिक कोड है जो एम आर एन ए के ऊपर होता है उसको पढ़ता हुआ चलेगा। आर आर एन ए प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल, साथ में स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक साइट प्रोवाइड करता है प्रोटीन सिंथेसिस की, और साथ में कैटालिटिक रोल भी प्ले करता है जो कि रिएक्शन को फास्ट भी करता है, और साथ में जो बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड है वो फॉर्मेशन का काम भी राइबो सोमल आर एन ए का होता है, आर आर एन ए का होता है। उसके बाद टी आर एन ए हम देखते हैं अडप्टर मोलिक्यूल कहलाता है ये, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स बनता है ये जो कि वे एम आर एन ए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसी के टाइप की जो पॉलीपेप्टाइड है वो इसी के बेस पे बनती है, जैसे मोबाइल अडप्टर होता है जो डीसी जो एसी करंट आता है उसको डीसी में कन्वर्ट करके देता है, तो एक इंटरकनेक्शन का काम करता है, ये भी एक इंटरकनेक्शन का काम करेगा एम आर एन ए और प्रोटीन के बीच में। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टी आर एन ए लुक लाइक ए क्लोवर लीफ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब है जो कि फोल्डिंग वगैरह से बनती है जो कि थोड़े बहुत जो डबल स्ट्रैंडेड नेचर देखने को मिल जाते हैं, उसकी वजह से क्लोवर का जो पत्ता होता है उस जैसी शेप देखने को मिलती है।
इन एक्चुअल स्ट्रक्चर टीआरएनए इज ए कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक लाइक इन्वर्टेड एल। तो यदि हम एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एल शेप जो अल्फाबेट होता है इंग्लिश अल्फाबेट उस एल जैसा दिखाई देता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट का मतलब जटिल सी स्ट्रक्चर, पास पास जो स्ट्रैंड है आरएनए की वो देखने को मिलती है इसमें। टीआरएनए हैज इसके पास एक एंटीकोडोन लूप होता है बेसिज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड, जो एमआरएनए के ऊपर कोड होते हैं उसका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन इसके पास प्रेजेंट होते हैं जो कि पेयरिंग कर सके। ताकि एन अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड, ये वो एंड होता है जो कि अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, बाइंड करता है, साइटोप्लाज्म से लेके आता है और राइबोसोम के पास अटैच करेगा। आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड, तो टीआरएनए होते हैं ये अलग अलग होते हैं अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए। इनिशिएटर टीआरएनए फॉर इनिशिएशन व्हाइल टीआरएनए इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन, तो स्टॉप कोडोन के लिए कोई टीआरएनए प्रेजेंट नहीं होता, जबकि इनिशिएटर टीआरएनए जो कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन रखता है एयूजी का, जो कि मिथियोनिन को लेके आएगा साइटोप्लाज्म में से। फ्रेसिक्रिक पोस्टुलेटेड प्रेजेंस ऑफ एन अडेप्टर मॉलिक्यूल, तो इन्होंने ही जो अडेप्टर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस है उसके बारे में बताया था। दैट रीड कोड ऑन वन हैंड एंड बाइंड्स टू द स्पेसिफिक अमीनो एसिड ऑन द अदर हैंड, इसी की वजह से इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है, जो एक साइड से तो कोडोन को पढ़ता हुआ चलेगा एमआरएनए के ऊपर और दूसरी साइड से अमीनो एसिड को अटैच करता हुआ चलेगा। टीआरएनए वाज कॉल्ड एसआरएनए, सोल्यूबल आरएनए एंड नॉन बिफोर जेनेटिक कोड वाज पोस्टुलेटेड, तो जेनेटिक कोड से पहले ही इनके बारे में इंफॉर्मेशन है वो दी जा चुकी थी, और उस टाइम टीआरएनए को एसआरएनए, सोल्यूबल आरएनए बोला जाता था क्योंकि ये सोल्यूबिलिटी ज़्यादा सोल्यूबल फॉर्म में देखने को मिलता है। उसके बाद है टीआरएनए की शेप, देख सकते हैं एल शेप्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ से सेवन शेप्ड लगेगी लेकिन उल्टा करेंगे तो एल शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जो काफ़ी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है ये, और इसके अंदर हम अलग अलग जो रिंग्स हैं एडिनिन गुआनिन की और साइटोसिन यूरेसिल की वो देखने को मिल सकती है। और जो ज़्यादातर डायग्राम पढ़ा जाता है वो इस फॉर्म में देखते हैं हम, एंटीकोडोन होता है नीचे वाले साइड में जो कि कोडोन को रीड करता हुआ चलेगा, कि डीआरएम होती है कंटेन्स टू और थ्री डी रेजिड्यू एट द डिफरेंट पोजिशन, अलग अलग पोजिशन पे डी रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से डीआरएम बोलते हैं इसको, टी साई सी आर एम बोलते हैं। एक्स्ट्रा एक वेरिएबल अलग अलग लेंथ की एक वेरिएबल आरएम होती है एक्स्ट्रा आरएम, और ऊपर अमाइनो एसिड को जो एक्सेप्ट करने वाली आरएम प्रेजेंट होती है जहाँ पे कोई भी अमाइनो एसिड है वो अटैच होता है आके, तो अलग अलग जो कि क्लोर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो हम देख सकते हैं। उसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम सेल फैक्ट्री, सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस का जो मेन काम है वो राइबोसोम ही देखता है। ए कैटलिस्ट विच एनहेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, एक कैटलिस्ट होता है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है उसको बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड जो अमाइनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो बनाएगा। कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स, जो किस चीज़ का बना होता है मेन, तो इसके अंदर स्ट्रक्चरल आरएनए प्रेजेंट होता है जो मेन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बाकी अलग अलग 80 डिफरेंट प्रोटीन भी इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। टू सब यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट एक स्मॉल सब यूनिट, वैन स्मॉल सब यूनिट कौन एनकाउंटर्स एन एम आर एन ए, जैसे ही एम आर एन ए के टच में आती है स्मॉल सब यूनिट तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है एम आर एन ए के ऊपर, वो बिगिन हो जाती है, शुरू हो जाती है, प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है। टू साइट्स इन लार्ज सब यूनिट फॉर सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड टू बाइंड क्लोज एनफ टू फॉर्म ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड, तो जो दोनों दो साइट होती हैं लार्ज सब यूनिट के अंदर किसके लिए होती हैं, फॉर सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के लिए होती हैं जो दो इकट्ठे अमाइनो एसिड एक जगह पर पहुंचते हैं, और उसमें जैसे ही अमाइनो एसिड पास पास में होंगे तो इसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो होता है। आल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट, तो साथ में कैटलिस्ट का काम करता है जो कि 23S rRNA इन बैक्टीरिया इन द एंजाइम राइबोंजाइम, तो राइबोंजाइम का भी काम करता है इसलिए इसको राइबोंजाइम बोलते हैं, जो कैटलिस्ट के रूप में काम करे उस आरएनए को राइबोंजाइम बोला जाता है, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है जो कि बैक्टीरिया में 23S टाइप का पाया जाता है। एस यहाँ पे साइडबर्ग यूनिट होती है जो कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं आरआरएनए के ऊपर लार्ज सब यूनिट है, नीचे स्मॉल सब यूनिट है, और जब ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है एमआरएनए इस तरीके से प्रेजेंट होता है एक रोप लाइक स्ट्रक्चर में,
और यहाँ पे तीन साइट होती हैं, ई साइट मतलब एग्जिट साइट, पी साइट मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की साइट होती है, और एंट्री साइट होती है एक स्मॉल सब यूनिट, ए साइट एंट्री साइट होती है जहाँ से एमआरएनए आते हैं। तो लार्ज सब यूनिट के अंदर ये अलग अलग साइट प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ये राइबोसोम है, टीआरएनए इस तरीके से आता है अमाइनो एसिड को लेकर, जो बोल हैं ये अलग अलग अमाइनो एसिड हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एक टाइम पे दो टीआरएनए वो प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम के अंदर, एक साइड से एंट्री होती है, एक साइड से एग्जिट होती है, एक साइड और बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो नीचे स्मॉल सब यूनिट, ऊपर लार्ज सब यूनिट, और ये यहाँ पे अलग अलग कोडोन है, इन्हीं कोडोन को पढ़ पढ़ के, जैसे जिस टाइप के कोडोन है उसी के अंदर पार्टिकुलर पोर्शन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे की होती है अलग अलग, उसी प्रकार से इनके पास भी पार्टिकुलर एक साइट प्रेजेंट होती है, जिसको पढ़ के ही आगे के जो टीआरएनए हैं वो इस तरीके से आएंगे। जैसे यहाँ पे इस टाइप का टीआरएनए जो इस साइट के अंदर बिल्कुल कंप्लीट फिट बैठ सकता है, उस बेस पे यहाँ पे अमाइनो एसिड की चेन है वो बनती जाएगी। अब ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, और जिसके अंदर है ट्रांसलेशन यूनिट। तो ये क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए अरेंजमेंट होता है जो कोडोन का, वो एक अरेंजमेंट, स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है एमआरएनए का, जो कि फ्लैंक्ड बाय स्टार्ट कोडोन एंड स्टॉप कोडोन, जिसके पास एक साइड में स्टार्ट कोडोन होता है, दूसरे साइड में स्टॉप कोडोन प्रेजेंट होते हैं, और जो कि एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करते हैं। उसके बाद अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी। तो ये क्या होते हैं, सम एडिशनल सीक्वेंस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड, कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जो कि ट्रांसलेशन के अंडरगो नहीं जाते, जिनकी कोई ट्रांसलेशन, जिसकी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती, वो सीक्वेंस होती हैं। प्रेजेंट एंड 5' एंड बिफोर द स्टार्ट कोडोन एंड एट 3' एंड आफ्टर द स्टॉप कोडोन। तो स्टार्ट और स्टॉप कोडोन के बाहर जो भी सीक्वेंस प्रेजेंट होती है उन्हीं को हम यूटीआर बोलते हैं। रिक्वायर्ड फॉर एफिशियंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, तो ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं, ताकि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसको अच्छे ढंग से, कारगर तरीके से उसको किया जा सके, वहाँ पे ये यूज की जाती है यूटीआर। उसके बाद है ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, जो प्रोटीन चेन है अमाइनो एसिड की, जो चेन होती है प्रोटीन, तो उसको बनाने के लिए ये पॉलीमराइजेशन चेन होती है, जिसके अंदर अमाइनो एसिड को एक के बाद एक जोड़ा जाता है लाइन वाइज। ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड आर डिफाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन एमआरएनए। तो जो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो किसके बेस पे उनको ऑर्डर वाइज किया जाता है, जैसे एमआरएनए के ऊपर कोडोन प्रेजेंट होते हैं, जैसे वहां पे नाइट्रोजीनियस बेस का ऑर्डर होता है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमाइलो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है, स्टेप है, वो क्या रहेगा, टीआरएनए है उनको चार्ज किया जाएगा, चार्ज का मतलब है उनके ऊपर अमाइनो एसिड्स है उनको अटैच किया जाता है, जिसको अमाइनो एसाइलेशन बोला जाता है, जिसके अंदर अमाइनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी, अमाइनो एसिड को एटीपी की प्रेजेंस में एक्टिवेट किया जाता है, उनको चार्ज किया जाता है, चार्ज टीआरएनए किया जाएगा, उनको एक्टिवेट किया जाएगा ताकि वो टीआरएनए के साथ जाके अटैच हों। कोगनेट का मतलब है उनके एक टाइप से स्पेसिफिक जो टीआरएनए होता है उनके लिए, स्पेशल अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होता है, उनके साथ जाके अटैच होते हैं, इसी प्रोसेस को चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमाइनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए बोला जाता है। इफ चार्ज टीआरएनए आर ब्रॉट क्लोज एनफ, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फेवर्ड एनर्जेटिकली, तो यदि चार्ज टीआरएनए को पास पास लेके आया जाए तो उनके बीच में जो बॉन्ड है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, जल्दी बन जाता है, फेवर हो जाता है एनर्जेटिकली, मतलब वहाँ पे एनर्जी का यूज किया जाएगा, एटीपी का यूज किया जाएगा। इनिशिएशन, तो राइबोसोम्स बाइंड्स टू एमआरएनए एट स्टार्ट कोडोन एयूजी बाय इनिशिएटर टीआरएनए, तो राइबोसोम के साथ है जो एमआरएनए को बाइंड किया जाएगा, या राइबोसोम एमआरएनए के साथ जाके बाइंड होएगा कहाँ पे, स्टार्ट कोडोन पे बाय इनिशिएटर कोडोन, इनिशिएटर टीआरएनए, तो इनिशिएटर टीआरएनए है वो सबसे पहले स्टार्ट कोडोन के साथ जाके अटैच होता है। देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट फेज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, और इसके बाद जैसे ही अटैचमेंट होगी तो आगे जो टी आर एन ए है वो एक एक करके आते रहेंगे, तो एलोंगेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगी, जिसमें कॉम्प्लेक्स कम्पोज ऑफ एन अमाइनो एसिड लिंक्ड टू अ टी आर एन ए सिक्वेंसली बाइंड टू अप्रोप्रिएट कोडोन इन द एम आर एन ए, तो इसमें क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्सेज बनते रहेंगे टी आर एन ए का,
और जो अमाइनो एसिड वो लेके आ रहा है, और साथ में जो राइबोसोम्स के अंदर काफ़ी जो स्ट्रक्चर है, जो एक साइड में एमआरएनए लगा हुआ, एक साइड में राइबोसोम, एक साइड में जो टीआरएनए है अमाइनो एसिड को लेके आ रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं। और सिक्वेंसल प्रोसेस, एक सिक्वेंस के साथ ये प्रोसेस चलती है, बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग विद टीआरएनए एंटीकोडोन। तो साथ में जो टीआरएनए है वो टीआरएनए का एंटीकोडोन और एमआरएनए के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाता हुआ चलेगा। राइबोसोम मूव्स फ्रॉम द कोडोन टू कोडोन अलोंग द एमआरएनए। तो राइबोसोम्स हैं वो आगे शिफ्ट होते रहते हैं जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है। अमाइनो एसिड आर एडिड वन बाय वन, एक एक करके जो अमाइनो एसिड है उनको जोड़ा जाएगा और ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड। तो और उनको साथ में जो पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन है, उनके अंदर उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, उनके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। टर्मिनेशन, ए रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू ए स्टॉप कोडोन टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन। तो एक रिलीज फैक्टर है, जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन में रो फैक्टर पढ़ा था, यहाँ पे भी एक फैक्टर होता है, रिलीज फैक्टर बोलते हैं उसको। जैसे ही वो स्टॉप कोडोन के पास आगे बाइंड होता है तो प्रोसेस को टर्मिनेट बंद कर देता है, एंड रिलीजिंग कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम, और राइबोसोम से जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है उसको रिलीज करवा देता है, हटा देता है। उसके बाद हम प्रोसेस को समझ सकते हैं डायग्राम से। तो यहाँ पे सिनेरियो है कुछ इस तरीके का, जो कॉम्प्लेक्स है वो बनता है, इसके अंदर एक साइड में एमआरएनए होता है, एक लाइन रहती है बिल्कुल सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में पाया जाता है, एक लार्ज सब यूनिट ऊपर की प्रेजेंट होती है, स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम की नीचे की तरफ, और यहाँ पे अमाइनो एसिड एक आएगा। उसके बाद ये जो आर्म्स होती हैं ये इनके अटैचमेंट में मदद करती है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है एनर्जी कंज्यूम करके। तो ऊपर ये टीआरएनए है, अलग अलग टीआरएनए आते रहेंगे, नया टीआरएनए आएगा पहले वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जो बिल्कुल उससे भी पहले वाला टीआरएनए वो एक साइड से एग्जिट होता रहेगा, ऊपर है जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बनती रहेगी। उसके बाद एक रियलिस्टिक पिक हम देख सकते हैं किस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो इसमें ये एमआरएनए है, और जैसे जैसे हम अलग अलग टाइप के जो कोडोन देख रहे हैं, जो कलर है कलर के साथ ही मैच करेगा, जो यहाँ पे समझाने के लिए कलरिंग मैचिंग का मतलब है, जो कोडोन और एंटी कोडोन का जो भी पेयरिंग है वो आएगा, एक ए साइट होती है एंट्री साइट, फिर पी साइट है जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं जो बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ था वो आगे अमीनो एसिड के साथ बनेगा और ई से एग्जिट हो जाता है टीआरएनए। तो राइबोसोम्स बड़ा ही यहाँ पे एक साइट का और कैटालिटिक रोल प्ले करता है, और ये टीआरएनए इस तरीके से आते रहेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस जब वो करते जाएंगे। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जो कि इस पार्ट का लास्ट टॉपिक रहेगा, कि जीन एक्सप्रेशन, जैसे जीन एक्सप्रेशन का मतलब जो एमआरएनए है या फिर जो उससे पहले जो डीएनए है, डीएनए से जो जीन एक्सप्रेस होंगे एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से जो इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन बनाएगी, तो इसी को जीन एक्सप्रेशन बोला जाता है। उसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है? तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन रेगुलेटेड बाय मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन। तो डिपेंड करता है शरीर में किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे उस किस रिएक्शन में किसी भी एंजाइम की, किसी भी प्रोटीन की ज़रूरत है। फिजियोलॉजिकल का मतलब इंटरनल ऑर्गन को कहाँ कहाँ पे नीड है किसी भी चीज़ की, और एनवायरमेंटल कंडीशन की बाहर का जो वातावरण कैसा, उसी बेस पे जीन का जो रेगुलेशन है उनका एक्सप्रेशन है वो किया जाता है। जीन इन ए सेल आर एक्सप्रेस्ड टू फॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन और ए सेट ऑफ फंक्शन। तो जीन होते हैं जो सेल के अंदर वो एक्सप्रेस करते हैं, हर एक जो जीन है अपना अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन है, और या फिर कई एक साथ जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं ताकि वो अलग अलग काम कर सकें, इसलिए उनको एक्सप्रेस किया जाता है। इन यूकैरियोट्स के अंदर जो रेगुलेशन है कुड बी स्टार्ट एक्सर्टेड एट अलग अलग लेवल पे, जो रेगुलेशन है वो देखने को मिल सकता है, हो सकता है वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो, जहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, जो एमआरएनए बनता है बिल्कुल प्री मैच्योर एमआरएनए को प्राइमरी स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो मैच्योरेशन होती है उसके स्प्लाइसिंग वगैरह, टेलिंग, हेडिंग, तो पोर्सन होते हैं ना उससे पहले वाले पोर्सन को प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे भी प्रोसेस को ऑन या ऑफ किया जा सकता है कि प्रोसेस रेगुलर रखनी है या बंद करनी है। दूसरा प्रोसेसिंग लेवल, जहाँ पे स्प्लाइसिंग होती है उस जगह भी प्रोसेस को रोक भी दिया जा सकता है या फिर ऑन रखा जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, जब एमआरएनए कंप्लीट बन जाता है तो उसके बाद जब उसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर लेके आया जाता है तो उस टाइम पे प्रोसेस को स्टॉप किया जा सकता है। ट्रांसलेशनल लेवल, तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वहाँ पे भी ये रेगुलेशन देखने को मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल है, इफ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई, तो यदि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है
वो इकोलाई के द्वारा सिंथेसाइज किया जाएगा। तो देन द बैक्टीरिया यूज लैक्टोज एज सोर्स ऑफ एनर्जी। हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से लैक्टोज इकोलाई के पास प्रेजेंट होता है, तो वो अपना बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम है वो प्रोड्यूस करता है। इफ बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम, यदि बैक्टीरिया को हम खाने के लिए लैक्टोज नहीं देते हैं उसको सराउंडिंग मीडियम में, तो वहाँ पे जो बीटा गैलेक्टोसाइड है उसकी जो सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर है जो कि जीन रेगुलेशन करवाता है, एंजाइम बनवाएगा या नहीं बनवाएगा वो लैक्टोज डिपेंड करता है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के कुछ एग्जांपल हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे ये रोल प्ले करता है। जैसे इम्ब्रियो डेवलप होता है अडल्ट के अंदर, अडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे जो डेवलपमेंटल प्रोसेस और डिफरेंशिएशन, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग डिफरेंशिएशन करके काम करते हैं, तो वहाँ पे भी रेगुलेशन रहता है जीन एक्सप्रेशन का। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो कंट्रोल रेट होती है ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन की, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करते टाइम जो उसकी रेट को निर्धारित करता है, तो वो जीन एक्सप्रेशन ही रोल प्ले करते हैं। एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट ए गिवन प्रोमोटर इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है और जो वो प्रोमोटर रीजन के अंदर काम करता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर, तो उसकी भी एक्टिविटी है उसको भी यही रेगुलेट करते हुए चलेंगे। जीन एक्सप्रेशन का ही मेन रोल होता है। रेगुलेटरी प्रोटीन कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। तो ये बताया है कि प्रोसेस को ऑन भी रख सकते हैं, एक्टिवेट भी कर सकते हैं प्रोसेस को, या फिर उसको रिफ्रेश दबा भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑफ द प्रोमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए रेगुलेटेड बाय ऑपरेटर। तो कुछ ऑपरेटर होते हैं जो कि प्रोमोटर रीजन की जो एक्सेसिबिलिटी है, मतलब उस प्रोसेस को ऑन या ऑफ करवाना, तो वो ऑपरेटर के थ्रू होता है। ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रोमोटर, और प्रोमोटर रीजन जो होता है उसके बिल्कुल जस्ट पास में ही ऑपरेटर रीजन प्रेजेंट होता है, जहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड होते हैं। ईच ऑपरेन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। प्रत्येक ऑपरेन के पास, जैसे ऑपरेन लाइकोपरेन मॉडल हम पढ़ेंगे, उसका एक स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है जो उसको रेगुलेट करता है, और रिप्रेसर, रिप्रेसर का मतलब है जो प्रोसेस को आके रिप्रेस करता है, तो वो भी स्पेसिफिक देखने को मिलता है। तो जैसे लाइकोपरेन में ये बातें समझ में आएंगी जो कि हम पिछले स्लाइड में पढ़ी हैं। तो जो लैकोपेरोन है ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को समझाने का बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है, जो कि फ्रेंकुस जैकोब और एक ये जेनेटिक्स थे और बायोकेमिस्ट थे कि जैक्यू मोनोड, तो इन्होंने दिया था ये। एंड इल्यूसिडेट ए ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। तो इन्होंने एक जो ट्रांसक्रिप्शनली का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, प्रोटीन सिंथेसिस के लेवल पे जो रेगुलेशन है किस प्रकार से होता है हम इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे, तो उसको बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने वर्णित किया था, उनकी जो व्याख्या करी थी। इन लैक ओपरेन, लैक्टोज के लिए आया है, यहाँ पे लैक वर्ड है जो, इनके अंदर क्या होता है, ए पॉलीसिस्टर्निक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय ए कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। तो पॉलीसिस्टर्निक क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है, एक जो एमआरएनए की जो सीक्वेंस है वो काफ़ी सारे प्रोटीन कोडिंग कर सकती है, तो वो जो जीन है उसको कॉमन प्रोमोटर और रेगुलेटर जीन के द्वारा कोड किया जाता है। काफ़ी सारे वहाँ पे स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन है वो अलग अलग बनते हैं, एक ही प्रोमोटर उसको कोड करता है, रेगुलेटर जीन भी कॉमन ही रहते हैं वहाँ पे। वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इज रेफर टू एज ओपरोन। तो ये बैक्टीरिया में बहुत बार देखने को मिलता है और इसको ओपरोन बोला जाता है। ओपरेन ओपेरा से वर्ड आया है, जो कि सर्कस टाइप में होता है, जैसे सर्कस में अलग अलग जो लोगों की एक्टिविटी है एक अलग ढंग से रेगुलेट की जाती है, तो जो रेगुलेशन रेगुलेटेड वे में जो काम करते हैं वहीं से जो ये नाम है जैकोब, ये जो जैकोब और मोनाइड ने वहीं से इनको जो लैक ओपरेन है नाम दिया है। फ्यू सच एग्जाम्पल लैक ओपरोन। तो कुछ और एग्जाम्पल भी होते हैं, जैसे लैक ओपरोन का तो हम पढ़ेंगे ही, ट्रिप्टोफेनाप्रोन भी होता है, एरा ओपरेन, हिस ओपरेन, वैलिन अप्रोन, तो ये अलग अलग टाइप के ओपरेन है वो भी पढ़ने को मिलते हैं। कंसिस्ट ऑफ जो लैकोपरेन है उसके अंदर एक तो रेगुलेटरी जीन होता है जिसको आई जीन बोलते हैं, इंड्यूसर, जो प्रोसेस को इंड्यूस करवाता है। कोड फॉर रिप्रेसर, ये रिप्रेसर के लिए कोड करेगा, और जो रिप्रेसर है वो उसके बाद रेगुलेट जो ऑपरेटर है उसके ऊपर काज आगे काम करता है। थ्री स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, जैसे एक से ज़्यादा हमने बताया, पॉलीसिस्टर्निक कंडीशन देखने को मिलती है यहाँ पे,
तो एक से ज़्यादा जीन है उनका कोड किया जाए, एक से ज़्यादा जीन प्रेजेंट होते हैं, थ्री स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई और ए। जो जेड जीन है पूछ लेते हैं अलग अलग किसके लिए कोड करते हैं, जेड जीन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम होता है लैक्टोज की ब्रेक डाउन में मदद करता है, जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज इंटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड होती है जो कि मोनोसैकेराइड में गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ दी जाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के द्वारा, बीटा गैल इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। जो वाई जीन है वो प्रीमीएज का काम करता है, जो कि जो प्रीमेबिलिटी है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, जो प्रीमेबिलिटी है सेल के अंदर वो इंक्रीज कर देता है, और साथ में जो लैक्टोज है उसकी प्रीमेबिलिटी को इंक्रीज करके रखता है। और जो ए जीन है वो ट्रांस एसिटाइलेज एक एंजाइम होता है जो कि ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप का, तो ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप को करने वाला एंजाइम होता है। ज़्यादातर दो ऊपर वाले दो को ही ज़्यादा पढ़ा जाता है, और ज़्यादा डिटेल तो जेड जीन की रहेगी जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है, बनाता है। उसके बाद मैकेनिज्म कैसे काम करता है, लैकोपेरोन, रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन विजुअलाइज्ड बाय एज ए रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसाइज बाय इट्स सबस्ट्रेट। तो इसको कैसे विजुअलाइज किया जाता है कि रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस, की एंजाइम की सिंथेसिस किस प्रकार से की जाती है इसके सबस्ट्रेट के द्वारा। जैसे लैक्टोज यदि सेल में आएगा तभी उसको तोड़ने वाला, जो लैक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम है वो तैयार किया जाएगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज ए इंड्यूसर फॉर लैकोपेरोन। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज हैं ये जो मोनोसैकेराइड शुगर हैं जैसे लैक्टोज से टूट के बनती हैं, वो कभी इंड्यूसर का काम नहीं करेंगे लैकोपेरोन में। तो यहाँ पर नेगेटिव रेगुलेशन देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन बाय ए रिप्रेसर, तो एक जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है उसी से ये प्रोसेस इनिशिएट होती है, मतलब प्रोसेस को दबाने वाला यहाँ पे प्रोसेस रेगुलेट करके चलता है। वैसे तो नेगेटिव रेगुलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोसेस पहले स्टॉप रहती है, रिप्रेसर आएगा तो प्रोसेस को इनिशिएट करवाएगा, तो बंद प्रोसेस को ऑन करवाया जाता है यहाँ पे। और ए वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरोन हैज टू बी प्रेजेंट इन सेल ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल। तो एक थोड़ी सी मात्रा हर टाइम लैकोपेरोन की हमेशा चलती रहनी चाहिए ताकि जो सेल की जो परमेबिलिटी है, जैसे हमने देखा था जो जो जीन है वाई जीन जो परमेबिलिटी बना के रखता है, तो वो उसके लिए जरूरी है, तभी वो और सेल और लैक्टोज है वो एंटर कर पाएगा सेल के अंदर। लैक्टोज और एलो लैक्टोज रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ओपरॉन इंड्यूसर। जो लैक्टोज और एलो लैक्टोज हैं ये स्विचिंग प्रोसेस को ऑन करवाना या ऑफ करवाना है उसका काम करेंगे, इसलिए इनको इंड्यूसर बोला जाता है। तो इन अब्सेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज की अब्सेंस में जो प्रोसेस है वो ऑफ रहती है, प्रोसेस ऑफ का मतलब है बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनता है। रिप्रेसर ऑफ ओपरेन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आई जीन, तो आई जीन प्रेजेंट होता है पिक से भी हम इसको क्लियर करेंगे, तो वहां से जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसको बनाया जाता है। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर, और जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड करेगा तो ये प्रिवेंटिंग आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द ट्रांसक्राइबिंग ओपरॉन। तो ये ऑपरेटर के पास जैसे जाके अटैच होएगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज को वहाँ पे चिपकने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आरएनए है आरएनए पॉलीमरेज उस जीन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, तो प्रोसेस को ऑफ करके रखता है रिप्रेसर की मदद से। इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज की प्रेजेंस में प्रोसेस स्विच ऑन हो जाती है, कैसे? लैक्टोज आएगा सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा प्रीमीएज के द्वारा, और जो रिप्रेसर है उसको इनएक्टिवेट किया जाता है इंड्यूसर के साथ अटैच करके, एक इंड्यूसर बनेगा इसमें, इंड्यूसर है जो वो रिप्रेसर के साथ बाइंड करके उसको इनएक्टिव कर देता है। एलोज अलोज आरएनए पॉलीमरेज असेस टू प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स, और जो आरएनए पॉलीमरेज है अब जो प्रमोटर साइट है उसके ऊपर कोई भी रिप्रेसर बाइंड नहीं है, तो आरएनए पॉलीमरेज अपने आसानी से वहां पे जाके अटैच हो सकता है और ट्रांसक्रिप्शन उसको शुरू कर सकता है। तो यहाँ पे डायग्राम से हम समझ सकते हैं, जैसे इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यदि इंड्यूसर नहीं है लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट नहीं है, तो इंड्यूसर जो जीन है वो एक रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, रिप्रेसर एक प्रोटीन बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन है जो प्रोमोटर जो रीजन है उसके आगे आके अटैच हो जाता है, या प्रोमोटर रीजन पे अटैच होएगा, और हमको पता है प्रोमोटर रीजन प्रोसेस को शुरू करवाने वाला होता है, तो यहाँ पे आरएनए की बाइंडिंग के लिए कोई जगह ही नहीं है। रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर, वो जीन के साथ जाके अटैच हो जाएगा एंड प्रिवेंट्स द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपरॉन। तो ओपरॉन यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जाके अटैच भी हो जाता है तो प्रोसेस वो डाउन स्ट्रीम नहीं चल पाएगी, क्योंकि बीच में ये एक इनहिबिटर फैक्टर काम करेगा। और यदि यहाँ पे प्रेजेंस है
इंड्यूसर प्रेजेंट है मीडियम के अंदर, यदि हमारे पास लैक्टोज है तो एक इंड्यूसर बनेगा एलो लैक्टोज, और वो क्या करेगा, जो रिप्रेसर ऊपर बना था उसी के साथ बाइंड करके उसको इनएक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे फ्री रहेगा और प्रोमोटर के पास जाके आरएनए एंजाइम आएगा, जो कि इस प्रोसेस को, जो आरएनए पॉलीमरेज है, जैसे ही इस जीन को एक्सप्रेस करेगा यहाँ पे लैक एमआरएनए बनेगा, और लैक एमआरएनए से अलग अलग जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, प्रीमीएज और ट्रांसएसिटाइलेज, इन तीनों जो एंजाइम्स हैं उनकी यहाँ पे सिंथेसिस है वो की जाएगी।